लोगों के हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे तो आज हो जाएंगे। सरसों के ऑयल में बस चीजें मिला के इस्तेमाल करें, आपके हेयर लॉन्ग हो जाएंगे। सिर्फ 3 टिप्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनको आप लोगों ने यूज करके इजीली अपने हेयर को ग्रोथ करवाना है। क्या आप लोगों के हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने हेयर को लॉन्ग करने के लिए, या फिर आपके हेयर टूट रहे हैं, या फिर आपके हेयर जो है बारीक है, आप उनको मोटा करना चाह रही हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में आपकी हेयर की ऑल प्रॉब्लम्स का एक ही हल मिल चुका है। हर घर में होता है ऑयल, आप लोग यूज करते हैं। आपको पता है कि हेयर ऑयल जो है हमारे हेयर की ये खुराक होती है। जैसे हमें खाने जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे हेयर को भी ऑयल की जरूरत होती है, उसकी खुराक होती है। हेयर में ऑयल लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ सरसों का ऑयल यूज करके अगर आप लोग पहले भी करती हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सिर्फ सरसों के ऑयल से आप लोगों ने अपने हेयर को लॉन्ग करना है, बहुत ही इजी रेमेडी है। आई होप कि आप लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, बहुत सस्ती भी है और फटाफट से बन भी जाएगी और दिनों में आपके बाल लॉन्ग हो जाएंगे। मेरे खुद के बाल जो है ना काफी ज्यादा उतर रहे थे, रफ रफ से मुझे लग रहे थे। मैंने स्टिकिंग करवाई थी तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे हेयर रफ हो चुके हैं और कम हो चुके हैं। तो मैंने भी ये ऑयल बना के खुद पर्सनली यूज किया और मुझे इसका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट भी काफी ज्यादा आ रहे थे कि आप भी हेयर लॉन्ग के लिए कुछ अच्छा सा बता दें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी यही ऑयल शेयर करूं जो कि मैंने खुद ट्राई किया और मुझे उससे फायदा हुआ है, ताकि आप लोग भी फायदा उठा सकें। सो मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, चले भी बिना टाइम से कीप का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे चैनल को सब्सक्राइब? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, काइंडली ऑल का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। मेरी प्यारी बहनें कुछ ऐसी है जो कि कमेंट करती हैं कि मेरी बच्ची छोटी है, उसके हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे, तो आप इसको बच्चों को भी यूज करवा सकती हैं, चाहे बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, आप उसको यूज करवा सकते हैं। इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, यानी कि ऑयल, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। आप इसको हर एज वाले बेबी या बड़े बूढ़े वालों को यूज करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ रेमेडी के बारे में। तो ये ऑयल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको यूज करती हूँ। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया था तकरीबन जो है ना हाफ कप, आप लोगों ने भी इतना ही ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है ये जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं ना, ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले जो हैं ये, ठीक है, इसका नाम है बालजर। ये इस तरीके के होंगे, ये आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगे, आप इसको बालजर कह के ले सकती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला हुआ है मेथी दाना, ये देखिए आप लोगों की आंखों के सामने मेथी दाना जो है एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, और जो बाल जेल है वो मैंने इसमें तकरीबन 4 अदद जो है वो पीसेस इसमें डाल दिए हैं। और अब मैंने इसको बनाया है, उसके बाद लास्ट में ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, तो इसका नाम है चुमीला, ठीक है। दूसरा इसका नाम है ओचना, इसके दो नाम है, चुमीला या फिर ओचना कह के आप इसको भी पंसार की शॉप से ले सकते हैं। ये मैंने जितना डाल दिया है आप लोगों ने भी इतना ही इसको डालना है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। और आपने ये ऑयल जो है वो रेडी कर लेना है जैसे कि मैंने करके रखा हुआ, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ और वही आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। जब ये आप सारी चीज़ें इसमें डाल दें, फिर आप लोगों ने इसको धूप में रखना है तकरीबन 10 मिनट तक या आधा घंटा तक, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हर बार आपको फ्रेश नहीं बनाना पड़ेगा, आप इसको बना के रख भी सकते हैं। तो इस ऑयल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर एज वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ऑयल बनाने का तरीका तो देख लिया होगा, अच्छी तरह से सब चीज़ें नोट कर ली होंगी। आप लोग इन चीज़ों को लिख के रख लीजिएगा डिटेल से, ताकि आपको भूले ना। और हाँ, मेरे कहने पे एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है।
अब मैं आपको इसके यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। तो आप इसको वीक में 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप डेली इस हेयर ऑयल को जो है ना अपने हेयर में अप्लाई करेंगे ना, तो आपके हेयर इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे कि मेरी प्यारी बहनें आप खुश हो जाएंगी। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करना चाह रहे या आपको कोई भी इशू है या फिर आपको ऑयल पसंद नहीं है, तो आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। उससे भी कम, आपको वीक में 1 बार ज़रूर जो है ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, अगर वीक में 1 बार आप ऑयल यूज़ कर रही हैं, तो आप लोग अगर दिन में नहीं लगा सकती, आप जॉब करती हैं या फिर आप बिजी रहती हैं, तो आप रात में अपने हेयर को ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद आप लोगों ने इसको खुला छोड़ना, बांधना नहीं अपने बालों को, यानी कि कैच जो है ना वो आप लगा लें, जूड़ा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये नहीं करना कि हिजाब से ही कवर कर दें। इस तरीके से आपने अपने हेयर को कवर नहीं करना। और सुबह को अपने हेयर को वॉश कर लीजिएगा। दिन टाइम में लगा रहे हैं तभी आप 24 घंटे तक अपने हेयर में इस ऑयल को रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो मेरी प्यारी बहनों, फर्स्ट नंबर पे आपको ऑयल यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे आप लोगों को इस तरीके से ऑयल यूज़ करना है कि जब आप अपने हेयर में ऑयल अप्लाई कर रहे हैं तो फुल हेड को डाउन करना है, हेयर को सारा नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। नीचे की तरफ ला के इसको इस तरीके से आप लोगों ने सर्कल मोशन में इसकी मसाज करनी है, ताकि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाए और आपके हेयर इस तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपने अपने हेड को डाउन करके इस तरीके से मसाज करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि जब भी आप अपने हेयर कंघी कर रही हैं या नहीं भी कर रही सुबह टाइम में, या जब भी आपका मन चाह रहा है करने को, तो आप लोगों ने नीचे की तरफ हेड को डाउन करके सारे जो हेयर आपने सामने की तरफ ले आने नीचे की तरफ, और हेड को भी डाउन करके इस तरीके से आप लोगों ने कंघा करना है, ठीक है। जब भी हेयर कंघी करना है इस तरीके से करना है, वो 5 मिनट तक आप लोगों ने करना है। तो अगर आप लोग ये चीजें फॉलो करेंगी तो मेरी प्यारी बहनों, दिनों में आपके बाल लंबे हो जाएंगे। 7 से 8 दिन के बाद आके आप खुद कहेंगे कि आप भी मेरे हेयर जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही हैं, मुझे इनमें फ़र्क नज़र आ रहा है, ये इतना अच्छा ऑयल और इतनी अच्छी ये टिप्स हैं। ये टिप्स आपको कोई नहीं बताने वाला जो मैंने आज आप लोगों को बता दी हैं। सो मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, यही थी मेरी आज की छोटी सी अमेजिंग वीडियो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।